नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूँ यूसुफ अली, आप देख रहे हैं स्टेप न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। सावधान, खबरदार, अगर आप सोने चांदी के व्यापारी हैं, अगर आपकी सोने चांदी की दुकान है तो इन बुरखे वाली चोरियों से सावधान। रुमाल गैंग कहीं लगा न दे हजारों का चूना, सोनों के गहनों पर साफ न कर दे हाथ। नालासोपारा के मोरेगांव क्षेत्र में सोने चांदी की कई दुकानें हैं, उसमें व्यापारीगण अपने व्यापार को अंजाम देते हुए अपना गुजारा करते हैं। सोने चांदी के व्यापार में पहले ही कई ज़्यादा पेचीदगियाँ है ही, वहीं एक परेशानी यह भी रहती है कि हर समय दुकान में चोरी डकैती होने का डर लगा रहता है। इस मामले में भी ऐसा ही कुछ है। दरअसल भवानी गोल्ड नामक एक दुकान में दीपावली के समय 27 तारीख को सोने के जेवर खरीदने के बहाने घुसी दो गुरखाधारी औरतों ने कानों में पहने जाने वाली फूली की मांग की। दुकानदार फूली के पैकेट खोलकर दिखाते समय इन महिलाओं ने बड़ी चतुराई से फूली के कुछ पैकेट अपने हाथ में लिए, एक रुमाल में रखते हुए चुपचाप चोरी कर लिए। इस पूरे घटनाक्रम में करीब 5 मिनट का समय लेते हुए इन महिलाओं ने दुकानदार को व्यस्त रखा और दुकानदार को भनक तक नहीं लगने दी। लेकिन चूंकि दुकान में CCTV कैमरे लगे होने से घटना पूरी कैमरे में कैद हो गई, जिसका फुटेज स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। वीडियो में आगे सुनते हैं क्या कहा दुकानदार ने चोरी होने के बाद प्रवासी एकता के संजय जैन को। देखिए खबर विस्तार से। पेश है संजय जैन के साथ यूसुफ अली की स्पेशल रिपोर्ट। संजय जैन का नमस्कार। आज मैं नालासोपारा पूर्व मोरेगांव नाके पे जो भवानी ज्वेलर्स है, वहाँ त्योहार के सीजन में जो दिवाली आती है खुशी से लोग मनाते हैं, पर उसी दरमियान दिवाली के दिन भवानी ज्वेलर्स में दो औरतें बुरका पहन के आती है और उनको 10 से 20 हजार का चूना लगाकर चली जाती है। इसी में जब हमको मालूम पड़ा तो हमारी टीम पूरी यहाँ पहुंची और उनके मालिक जो मुरली जी हैं उनसे बात करने के लिए। देखिए, जो आज दिवाली के दरमियान आपके यहाँ जो घटना घटी उनके बारे में आप हमारी टीम और सभी ज्वेलर्स वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी ज्वेलर्स व्यापारियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये बुरका पहन के जो लेडीज आती है, इनके हाथ में एक हाथ में रुमाल रखती है और दो जन तीन जन साथ में ग्रुप में ये लोग आते हैं और सिंगल दुकानदार को किसी को भी देख करके बोलती है खुली दिखाओ अच्छा वाला, नोज पिन दिखाएंगे ना तो उसमें से ये लोग धीरे धीरे तार वाली रहेगी तो उसमें से निकाल लेती है और स्क्रू वाला अगर खुली रहेगा ना तो उसका पूरा पत्ता ही गायब कर देती है और फिर नाटक करती है निकलने का और अचानक से निकल के चली जाती है। मेरे साथ भी ऐसी घटना हो गई है कि 5 बजे की समथिंग ये मेरी दुकान में आई थी और उन्होंने मेरे को खुली के लिए बोला था तो मैंने उनको खुली दिखाने के लिए पत्ता बॉक्स निकाला बाहर और बता रहा था, उसी दरमियान उन्होंने एक पत्ता पूरा का पूरा गायब कर दिया और 3-4 पीस तार वाली खुली निकाल करके उन्होंने दबा दी। मैंने जब उनको देखा उसके हाथ में से एक खुली निकल पाई तो वो गाय करके निकल गई दुकान से। अच्छा, वो पत्ते का कीमत कितना होगा? वो कम से कम 18 पीस 20 पीस का पत्ता था तो कम से कम 18-20 हजार के समथिंग जाएगा। अच्छा, जैसे ये आपकी दुकान में पहली बार ये घटना हुई? हाँ, फर्स्ट बार ही हुई है, पहली बार ही आई। अच्छा, आपको मतलब व्यापारियों को क्या बोलना चाहेंगे अगर ऐसी औरतें आती तो आपसे संपर्क करें? हाँ, तो ये मेरा ये सभी व्यापारी लोगों से ज्वेलर भाइयों से निवेदन है कि ऐसी बुरका वाली औरतें अगर किधर आए और ऐसा नोज पिन के लिए पूछे तो उन पर पूरा निगाह रखें और उस दरमियान अगर उनको लगे कि ये चोरी करे तो उनको वहीं रोक करके पकड़े और पूरे अपने ग्रुप में ये वीडियो वायरल कर दे कि हमने इनको पकड़ा है तो वापस जिसकी भी साथ नुकसान हुआ है भरपाई करने के लिए वो भी वहाँ पहुँचे तो उसके ऊपर वो कार्रवाई करके वापस अपना वीडियो या प्रूफ उनको दिखा करके अपना भी पैसा वसूल कर सके। अभी हम आपको एक ज्वेलर जो कि समाज सेवी है सुनील जी जैन, वो भी उनके बाजू में ही इनकी दुकान है, उनका क्या कहना है इस घटना के बारे में? मैं यही कहूँगा कि ये 8-10 लेडीज लोग का गैंग है, ये आती रहती है तो संभल के अपना थोड़ा बिगड़ लालच से संभल के व्यापार करो, कमाई नहीं होएगा चलेगा लेकिन नुकसान नहीं होना चाहिए। ये सब ज्वेलर्स वाले ठान लेंगे तो नुकसान नहीं होएगा तो इनका थोड़ा ध्यान रखें, कोई आगे भी जाए तो इन्फॉर्मेशन एसोसिएशन को देते रहे कि ऐसे ऐसे लेडीज है ताकि दूसरे लोग भी संभल के काम करें। मैं सभी व्यापारियों से यही कहूँगा कि ये जैसे मुरली भाई को थोड़ा सा फूली का पैकेट गया तो इन्होंने हमको सूचित किया, हमारे प्रवासी एकता के संजय भाई को सूचित किया और सबको बताया, ये कोई मीडिया में नहीं डालने जैसी भी चीज़ मीडिया में डाल के
उन्होंने सबको ऐसा संदेशा दे रहे हैं भाई, मतलब छोटा बात भी होए तो भी सब व्यापारी को इन्फॉर्मेशन करने का, तो उससे क्या है सब व्यापारी संभल सके, सबका साथ सब साथ में रह सके, उसके लिए मैं मुरली भाई को धन्यवाद देता हूँ भाई। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि भाई छोटा नुकसान में भी इन्होंने बुलाया। बाकी अपन सोचते हैं कि चलो भाई क्या है, गोपाल खुली गया तो गया, अभी कौन सा आने वाला है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आए चाहे नहीं आए, इन्फॉर्मेशन सबको करना चाहिए, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ मुरली भाई। सुनील जी, अभी जो धनतेरस गई, दिवाली गई, नया साल गया, भाव भी 38,000 के ऊपर है, इस दरमियान इनका अगर एक खुली का पैकेट जाना भी 18-20,000 का नुकसान होता है। एक छोटे व्यापारी के दिन में 18,000-20,000 बहुत बड़ी बात है। इसमें बड़े व्यापारी भी सोचते हैं कि भाई 18-20,000 कोई बड़ी बात नहीं है, पर इनके लिए बहुत बड़ी बात है। इस चीज पे छोटे व्यापारियों के लिए क्या संदेश देंगे आप? मैं यही संदेश, छोटा हो बड़ा हो नुकसान नुकसान ही होता है, तो संभल के व्यापार करो, कम करो, अच्छा व्यापार करो, कोई आज के टाइम पे वही अच्छा रहेगा। कम व्यापार करो, अच्छा व्यापार करो, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, नुकसान नुकसान ही होता है। हाँ, मैं और व्यापारी को बोलना चाहता हूँ, अपनी दुकान पे सीसीटीवी कैमरा लगा के ही रखे, सब व्यापारी छोटा रहे चाहे बड़ा रहे, सीसीटीवी कैमरा लगा के रखो, और कुछ भी हो इन्फॉर्मेशन अपने प्रवासी एकता के संजय भाई है उनको दे दो, आपका आगे भी वो हमारे सहयोग करते रहेंगे, करते रहते हैं। तो अपना इतना नज़दीक है, अपना व्यापारी भाई है नागिंदास में, तो उनको इन्फॉर्मेशन दे देंगे, तो एक बार मीडिया में या सब में या पुलिस वाले को भी कुछ से लेकर के माल मिले नहीं मिले आगे तक अपन बात कर सकते हैं उनके थ्रू। इसमें क्या पुलिस वाले भी अपना काम करते हैं, उनको पकड़ने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है, तो कुछ भी नुकसान हो तो अपने है संजय भाई जैन है उनको बताओ या एसोसिएशन को बताओ। ये थे सुनील जैन समाज सेवी और मुरली भाई जो भवानीगढ़ के मालिक हैं, आज इनसे बात की, उन्होंने पूरे ज्वेलर्स व्यापारियों को यह संदेश दिया है कि ऐसी औरतों से बच के रहे, भले वो बुर्का पहने या ना पहने, पर ऐसी औरतों से सतर्क रहे और अपनी दुकान का ध्यान रखे, धंधा हो ना हो और नुकसान ना हो ऐसी चीजों का ध्यान रखे। ऐसे ही और भी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।